मेंस के लिए स्ट्रैटेजी ऐसा था कि जैसे आपने बोला क्वांट मेरा वीक था, सो आई फोकस्ड कि बाकी जो तीन सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं कोप अप कर लूँ, एंड डिस्क्रिप्टिव में भी, एंड क्वांट को बस एक लेवल तक पहुँचाना था जहाँ मुझे लग रहा था कि इतना करने से बस सफिशेंट होगा इफ़ आई कैन स्कोर मोर ऑन अदर थ्री फोर सब्जेक्ट्स. As they say, push yourself because no one else is going to do it for you. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by An Academy. I am Shahid. आज हमारे साथ एक ऐसे टॉपर है जिन्होंने 2019 में SBAPO क्लियर किया था और उन्होंने 2020 जनवरी में ज्वाइन किया था. तो आइए उनसे बात करते हैं, क्या थी उनकी जर्नी, कैसे थे उनके प्लान्स. लेट्स टॉक. हाय प्राची. Hi, hi. I am Prachi Raisada. I am an engineering graduate, and before joining SBI, I worked in TCS for around 2.5 years. Okay. So yeah, after resigning from there, then I got into the preparation phase, and then I started preparing, and then cleared the exam. Okay, nice, yeah. Prachi. So my first question is, why banking after coming from the, you know, different backgrounds. Different backgrounds, right? So. After 12th, I thought engineering is the thing to do, because during that time, I think engineering was the foremost higher study platform that was there. So I did that, and then after that, I joined TCS. I worked there. So somehow, while working there, I thought, no, I don't see myself here after 5 years. So maybe I should resign and do something else. Okay. So I resigned on an impulse almost. I didn't plan that I'll resign and then get into preparation phase. So I just resigned from there. Then I started browsing my options, and then somehow I took up an interest in banking. Okay, thanks, Prachi. Yeah. So my next question is, how was the reaction, and what was the reaction of your family when you got to know that you aced this exam? Okay, so it was like almost my first attempt on SBIPO. Yeah. So my parents were very skeptic that people don't clear SBIPO in the first go. So at every stage that the exam results came out, my father was like, okay, pre is okay, but then mains is the more difficult thing to do. Then after mains results, he said, okay, there is the more interviews, the bigger thing. Mm-hmm. So after when the final results came out, they thought, you know, I might have studied a lot, which they didn't realize that I was preparing. So yeah, we'll take it like, you know, the subject wise strategy. Let's talk about the prelims, mains and GD and interview. तो मैं शायद बचपन से ही काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रही हूँ, तो इंग्लिश के लिए कोई ऐसा सेपरेट स्ट्रैटेजी नहीं था मेरा. तो नॉवेल्स और न्यूज़पेपर काफ़ी टाइम से रहा, तो मैंने कभी ऐसा इंग्लिश का एज अ सब्जेक्ट कभी फोकस नहीं किया. ओके. जस्ट जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी उसको और थोड़ा सा ऐसे पढ़ा कि मे बी थोड़ा सा लैंग्वेज या ग्रामर समझ में आए, बट ऐसा कुछ सेपरेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं किया मैंने इंग्लिश के लिए. ओके. और रिसोर्सेज क्या यूज़ किया अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स? करंट अफेयर्स के लिए, इंग्लिश के लिए. इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए तो कोई और रिसोर्सेज यूज़ नहीं करे, टू टेलिंग यू द ट्रूथ. बस न्यूज़पेपर्स पढ़ा, बुक्स पढ़ना नहीं छोड़ा. मतलब नॉवेल्स जो था, बहुत लोग ऐसे होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे कि नहीं पढ़ते हैं या छोड़ देते हैं हॉबीज़ को, तो वो मैंने नहीं छोड़ा. वो मतलब रहता है, मेरा मंथली टारगेट रहता है कि एक बुक पढ़ना है, तो वो कंटिन्यू रखा. तो okay. और रिसर्च कुछ एक्स्ट्रा नहीं. सो नाउ या इंग्लिश, फॉर इंग्लिश के लिए आपने मॉक्स दिए थे या फिर PYQs पे फोकस किया था? मैंने मॉक्स पे ही ज़्यादा फोकस किया है. सेपरेटली कोई ऐसे PYQs नहीं करे इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली. सिर्फ मॉक्स में जितना था उतना ही करा. जो क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो रहे थे उनको रिव्यू किया, 3-4 बार पढ़ा. सो बस वही स्ट्रैटेजी रहा इंग्लिश के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए. और प्रीलिम्स के लिए आपने, अगर मैं आपको एक काउंट बताऊं, कितने मॉक्स दिए थे आपने? मैंने प्रीलिम्स के पहले आई थिंक अराउंड 50 तक मॉक्स दे दिए होंगे. ओके. तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन को ही मॉक्स पे ही बेस किया. तो द डे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तब मैंने फर्स्ट मॉक किया, और एग्जाम से पहले तक मैं मॉक्स ही करती रही. ओके. या और रिविजन्स में भी मॉक्स का ही यूज किया? हाँ, राइट. और इसमें आपने इंग्लिश में कितना टाइम फ्रेम यूज़ किया व्हाइल स्टडीइंग, व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस इंग्लिश? इंग्लिश के लिए कोई ऐसा जितना न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है लाइक 45-50 मिनट्स, और जितना मेरा बुक रीडिंग का टाइम रहता था डे स्केड्यूल में अराउंड 1 आवर.
तो वो रहता था ऐसा कुछ सेपरेटली. बाकी जो मॉक्स में दे रहे तो वो पूरा 1 आवर का मॉक है, तो उसमें 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है, तो उसके लिए. ओके, एंड वुड यू लाइक टू शेयर सम रिसोर्सेज विद आवर एस्पिरेंट्स फॉर इंग्लिश पर्टिकुलर? इंग्लिश आई थिंक मैंने स्कूल टाइम पे रेन एंड मार्टिन पढ़ा होगा और नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी लोग पढ़ते हैं. तो वर्ड पार मेड इजी मैंने एग्जाम से पहले तो नहीं, बट आई थिंक अपने कॉलेज के टाइम पे सॉल्व किया होगा. तो वो भी थोड़ा बहुत बेस रहता है, क्योंकि अगर आप पूरा उसको बैक टू बैक सॉल्व कर लो वो बुक, तो काफ़ी सारा आपका वोकैबुलरी बढ़ जाता है, सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाता है. जी, तो बस वही रिसोर्सेज यूज करें. ओके, एंड आइए बात करते हैं अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, राइट? तो क्या थी उसमें, यू नो, ओवरऑल जर्नी? तो तीनों सब्जेक्ट्स में से मेरा सबसे वीक पॉइंट क्वांटी था. सो मैंने ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया कि क्वांट को बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन काफ़ी लेट स्टार्ट किया, आई थिंक एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले. तो बट ऐसा था कि मैं सिर्फ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं टॉपिक्स उस पर ही फोकस करूँ. जैसे DI पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, फिर DI के अंदर जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं रेशियोज़ के, परसेंटेजेस के, और बोट्स एंड स्ट्रीम्स के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं DI में, फिर उन टॉपिक्स को किया. And how did you cope up with the speed and accuracy during DI preparation? So DI का मेरे पास एक बुक था जिसमें सिर्फ DI के क्वेश्चंस थे. तो वो क्वेश्चन जैसे पहले बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस लेवल तक था. जी. तो बेसिक वाला जो था वो मैं बिना टाइम किए करती थी, और जो जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया तो वो ऐसा करती थी कि मैं 1 आवर का टाइमर लगा के कुछ ऐसे 50 क्वेश्चन ट्राई करती हूँ, जो कि हो नहीं पाते थे बट फिर भी. और जब वो एडवांस लेवल पर पहुँचता था तो मेरा ये टारगेट रहता था कि एटलीस्ट 1 आवर में 10 क्वेश्चन हो जाएँ, तो ऐसा रहता था. ओके, तो अभी जो कॉन्ट्स में एग्जाम टाइम होता है वो 20 मिनट्स का रहता है, राइट? प्रीलिम्स में. तो आप मॉक्स में आप पहुंच चुके थे उस लेवल तक? सारे क्वेश्चन सॉल्व करना प्रीलिम्स में, वो भी क्वांट में, तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. तो मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी था कि जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इक्वालिटी इक्वेशंस हो गया, या फिर इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, या सीरीज आ गया, या फिर DI हो गया, तो मेनली मैंने उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस किया, उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया रादर देन स्टडिंग एवरीथिंग. तो उसी पे ज़्यादा फोकस किया. एंड सिंस यू वर वीक इन दिस सब्जेक्ट, तो इसमें कितना स्पेंड किया आपने टाइम? एंड इफ वी टॉक अबाउट वीकली. ओके, तो डे वाइज मेरा ऐसा रहता था कि आई थिंक हाफ डे मेरा क्वांट में ही रहता था. तो डेली अराउंड 4-5 आवर्स आई यूज टू गिव ओनली टू क्वांट. क्वांट्स, ओके. हाँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक मुझे टेबल्स भी नहीं आते थे 20 तक. तो समहाउ मुझे ज़्यादा टाइम देना ही था उसमें, तो मेरा क्वांट जो था वो काफ़ी मैंने टाइम दिया उसको, वीकली भी डेली भी. तो डेली दिया तो वीकली भी ज़्यादा हो ही जाता है. एग्जैक्टली. और इसमें आप कोई रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं क्वांट्स के लिए? मैंने क्वांट जो है बेसिक स्टार्ट किया था, कुछ सुल्तान चंद की कोई बुक थी जी. और लोग आर शर्मा पढ़ते हैं जी. उससे स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली अरुण शर्मा वाली जो बुक है जो कैट के लिए आती है उससे, उसका एक DI का बुक आता है वहाँ से स्टार्ट किया. ओके. फिर काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज के अलग अलग बुक्स रहते हैं और मॉड्यूल्स रहते हैं जिसमें सिर्फ DI के या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस रहते हैं, उन सबको सॉल्व किया. ओके, और आपका डेली टाइम टेबल क्या था, स्केड्यूल क्या था पूरे दिन का, अगर आप बताएं ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ओके, तो आई एम एन अर्ली राइजर, तो सुबह जल्दी उठ के पहले मेरा ये रहता था कि करंट अफेयर्स को भी टाइम देना है जी. तो सुबह मेरे से बस करंट अफेयर्स 2 आवर्स का रहता था, फिर न्यूज़पेपर, उसके बाद थोड़ा ब्रेक्स लेके फिर उसके बाद क्वांट पे आ जाती थी मैं. तो क्वांट वुड टेक ऑलमोस्ट हाफ अ डे, मतलब ड्यूरिंग लंच, आफ्टर लंच, तो ऐसे मेरा क्वांट चलता रहता था, क्वांट प्रैक्टिस, एंड देन इवनिंग टाइम पे रीजनिंग. तो ऐसे मेरा टाइम स्केड्यूल रहता था. ओके, तो आइए अभी करते हैं रीजनिंग की बात. पहले इसमें इन तीनों में से आपका प्रीलिम्स में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? इंग्लिश आई थिंक. रीजनिंग. ओके, रीजनिंग. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ रीजनिंग. ओके, क्या थी इसकी ओवरऑल जर्नी और प्रिपरेशन प्लान्स? ओके, तो रीजनिंग मुझे कॉलेज के टाइम से पसंद था जी, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस वहाँ पे भी कुछ रहते थे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तब भी किया था. तो उसको मैंने पिक करने के लिए कुछ बेसिक रिकमेंडेड रिसोर्सेज लिए, कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स लिए जिनसे पढ़ा, फिर उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे बेसिक, मीडियम लेवल, एडवांस्ड करके.
तो उसमें क्या हुआ कि बेसिक वाले जो क्वेश्चन रहते हैं और जो मीडियम लेवल के रहते हैं वो प्रीलिम्स के लिए रहते हैं और एडवांस वाले मेंस के लिए रहते हैं. okay. तो वो थ्रू आउट सॉल्व करने से मतलब मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटीग्रेटेडली प्रिपेयर हो रहा था जी. हाँ, और मैं ऐसे क्लासेस लेने भी जाती थी रीजनिंग के लिए, सो दैट ऑल्सो हेल्प मी टू प्रिपेयर मोर. सोचिए कि आप नए पैटर्न के पजल को सिर्फ एक बार पढ़कर ही बना लें और आपको दोबारा क्वेश्चन देखने की भी जरूरत ना पड़े, और जनरल अवेयरनेस का कोई भी सवाल देखते ही आपके माइंड में विद इन सेकंड आंसर क्लिक हो जाए, आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे. और अगर एक पैरा जंबल में आपको सेंटेंसेस को बार बार ना पढ़ना पड़े और कुछ शॉर्टकट्स के थ्रू आप सेंटेंसेस को लिंक कर पाओ तो आपका क्वेश्चन तो आधे टाइम में सॉल्व हो जाएगा. Can you talk more about the resources and the online modules you took for this course? Okay, so I have used a lot of resources. जैसे पहले M.K. Pandey से start किया मैंने. M.K. Pandey it's a very nicely written book. They okay. won't have more questions to practice, but you'll get the basic understanding for that. तो वहाँ से start किया. And online modules में? ऑनलाइन मॉड्यूल्स में मैंने टेस्ट सीरीज लिया हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको ही ज़्यादा ध्यान दिया, उन पर ही सॉल्व किया. जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, नॉट ओनली SBI PO, जितने बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के रहते हैं, उनको भी वो लोग सेग्रीगेट कर देते हैं टॉपिक वाइज और ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज, तो उनको भी सॉल्व किया. अदर देन SBI PO आपने कोई और एग्जाम दिया था बैंकिंग कैटेगरीज में? यस, बिफोर SBI PO मैंने IBPS PO 2018 दिया था. तो उसमें मेरा प्रीलिम्स मींस दोनों क्वालिफाई हो गया था, बट फाइनल मेरिट्स आई मिस्ड बाय 1 मार्क. ओके, ऐसा था जी. और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था SBI PO का? SBI PO का फर्स्ट अटेम्प्ट था ये. ओके, पहला बैंकिंग अटेम्प्ट IBPS PO था, उसके बाद SBI PO दिया जी. चलिए फिर से रीजनिंग पे आते हैं अब जी. तो रीजनिंग में आपने कितना टाइम स्पेंड किया था? वी टॉक अबाउट डेली एंड वीकेंड्स. ओके, सो डेली मेरा ऐसे 2-3 आवर्स रहता था रीजनिंग के लिए जी, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करके मैं ऐसे एक दिन में एक टॉपिक या एक वीकली टारगेट बना के एक वीक में एक टॉपिक कवर करने का कोशिश करती थी. तो रीजनिंग में भी मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम पजल्स पे ही था, क्योंकि पजल्स ही ज़्यादा आते हैं प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो उस पर ही ज़्यादा फोकस किया. अब हम टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं. ड्यूरिंग द प्रीलिम्स जर्नी कितने टाइम से आपने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था एंड यू कंप्लीट दिस प्रीलिम्स? ओके, सो जैसे मैंने बताया मैंने IBPS PO 2018 भी दिया था, तो उसके प्रीलिम्स के 2 मंथ्स पहले से अराउंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. ओके, तो ऐसे अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं तो एक्चुअल SBI PO के लिए तो सिर्फ 3 मंथ्स ही था, जिस दिन नोटिफिकेशन आया तब से लेके प्रीलिम्स एग्जाम तक ऐसे. एंड डू यू थिंक कोई इसको कोई प्रीलिम्स को 1 मंथ में भी क्रैक कर सकता है? कर सकता है अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो. मैंने स्ट्रैटेजी फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगाया, बट कोई ऐसे पहले से ही अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाए तो कर सकता है. ओके, क्योंकि मुझे लगता है बैंकिंग एग्जाम इज मोर ऑफ अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी रादर देन प्रैक्टिसिंग और गिविंग मोर टाइम इन इट. आपका स्ट्रैटेजी ठीक है तो आप जल्दी क्लियर कर सकते हो. एब्सोल्युटली राइट प्राची. तो आइए बात करते हैं अब मेंस की, राइट? लेकिन उससे पहले जो प्रीलिम्स और मेंस के दरमियान कुछ वक्त था, तो उस टाइम पे आपने क्या किया था? तो प्रीलिम्स का पेपर इस बार कंपैरेटिवली इजी आया था, सो आई वाज लाइक 90% श्योर कि मेरा क्लियर हो जाएगा. तो मैंने ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया ये देखे कि कब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा. जो मेरा ऐसे स्टडी फ्लो बना हुआ था मैंने उसी को ही कंटिन्यू किया मेन्स तक. तो जितना बस ये था कि उस टाइम मैंने GS जो जनरल अवेयरनेस रहता है उस पर ज़्यादा फोकस किया. ओके, तो बात करते हैं मेंस के पहले सब्जेक्ट के बारे में, कॉन्ट्स के बारे में, राइट? इसमें आप वीक भी थे, तो लेवल भी अभी बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स. तो क्या थी जर्नी आपकी और स्ट्रेटजी? तो मेंस के लिए स्ट्रेटजी ऐसा था कि जैसे आपने बोला क्वांट मेरा वीक था, सो आई फोकस्ड कि बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं कोप अप कर लूँ एंड डिस्क्रिप्टिव में भी, एंड क्वांट को बस एक लेवल तक पहुँचाना था जहाँ मुझे लग रहा था कि इतना करने से बस सफिशिएंट होगा if I can score more on other 3-4 subjects. Okay. तो ऐसा था. तो क्वांट के लिए वही DI ही आता है ज़्यादा जी, तो DI ही सॉल्व करने का ट्राई किया जितना हो सकता था. जितना मॉक्स में DIs आते हैं उनको वो करके उनका बार बार रिविजन करके प्रैक्टिस करके उतना किया. तो इसमें टाइम फ्रेम क्या था जब आपने प्रीलिम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे और मेंस के लिए क्वांट्स प्रिपेयर कर रहे थे, तो डेली आप कितना पढ़ रहे थे तब क्वांट्स के लिए?
डेली जैसे मेरा पहले प्रीलिम्स के पहले हाफ डे जा रहा था वैसे ही था कि एटलीस्ट 4-5 hours आई यूज्ड टू गिव टू क्वांट, जिसमें जो हाई लेवल डीआई होता है उसको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता है, इवन एग्जाम में भी काफी टाइम लग जाता है, तो उस पे ज्यादा फोकस करके अराउंड 4-5 hours देके उसको ही प्रैक्टिस किया। और क्वांट्स में कई मरतबा ऐसा भी होता है कि पीपल फील ओवरवेलम्ड, राइट, क्योंकि ये अभी क्वांट्स है जो डिफरेंट लेवल का होता है, राइट, और जो करते करते 4-5 घंटे स्पेंड करते हैं इस पे, पीपल फील ओवरवेलम्ड और नहीं हो पा रहा है या दे माइट फील डीमोटिवेटेड, राइट, टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग दिस, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? तो मैं करती थी, आई व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं दो एडवांस लेवल पजल के डीआई किया और एक थोड़ा सिंपल वाला किया, जस्ट टू कीप माय सेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ अगर ये दो मिनट ज्यादा टाइम लगाया तो एक थोड़ा सिंपल वाला जो प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई लेवल डीआई ही आएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो एक थोड़ा मीडियम वाला किया जो जल्दी सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके फिर जब आप पढ़ते जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हो, तो अपने आप मजा आने लगता है। फिर मुझे लगता है कि आपको पता नहीं चलता है कि 4-5 घंटे निकल गए उसको पढ़ते हुए। ओके, थैंक यू प्राची। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो कुड यू प्लीज टेल आवर एस्पिरेंट्स व्हाट वाज योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर रीजनिंग? ओके, तो रीजनिंग में सिर्फ पजल्स ही आते हैं मोस्टली, बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के या फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो बट मेरा जो मेन फोकस था वो पजल्स पे ही था। तो मेंस में कैसा लगता है कि 3-4 variables पजल्स भी आते हैं जिसमें काफ़ी सारे केसेस बनाने होते हैं जी। तो मैंने ऐसे ट्राई किया कि दिन में एटलीस्ट मैं 6-7 3-4 variables वाले पजल सॉल्व कर रही हूँ, जिससे कि प्रैक्टिस बने रहे। तो उतना ही किया, बाकी जितना मॉक्स देती थी मैं, मेंस का मॉक्स जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम के लिए रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो मैंने रीजनिंग से थोड़ा टाइम कट करके मॉक्स पे दिया। और इसमें आपने स्पीड और एक्यूरेसी कैसे यू नो कोप अप कर ली और आप उस लेवल तक पहुँच गए कि यू स्टार्ट डूइंग इट क्विकली? तो आई थिंक उसके लिए मॉक्स से ही मेरा स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ा होगा, सिंस मैंने बताया मैंने काफ़ी मॉक्स किए, तो वो ऑलरेडी टाइम रहता है और वो एक्चुअल में ऐसे एग्जाम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है व्हेन यू सी द टाइमर कि अब जो चल रहा है धीरे धीरे, तो आई थिंक वो ही उसी से ही मेरा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा होगा। ओके, तो अब करते हैं बात जर्नल अवेयरनेस की या जर्नल इकोनॉमी की। तो उसमें ये तो प्रीलिम्स में होता भी नहीं है, इट्स ओनली इन मेंस। सो व्हाट वाज योर जर्नी फॉर दिस? ओके, सो जनरल अवेयरनेस में ऐसा रहता है कि कुछ रिकमेंडेड रहता है कि 6-7 months का आपको पुराना पढ़ना होता है जी। तो मैं न्यूज़पेपर पहले से पढ़ी रही थी, थोड़े बहुत नोट्स भी बना रही थी। ओके, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि प्रीलिम्स के बाद ही जनरल अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट किया, और पहले से भी मैं कुछ कुछ टाइम देके नोट्स बना के जो कंपाइलेशंस रहते हैं वीकली डेली उन सब पे ध्यान देके वो सब कवर करती रही। प्रीलिम्स के बाद उसका रिवीजन डेली किया, जितना भी करंट अफेयर्स के मैंने नोट्स बनाए हुए थे या जितने भी नए नए मटीरियल आते रहते हैं जो कुछ ऐसे वेबसाइट्स पर रहते हैं, तो वो सब रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, और आप कुछ नाम बता सकती है रिसोर्सेज के बारे में? तो मुझे ऐसे रिसोर्सेज से ज़्यादा अपने नोट्स में ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था, क्योंकि जब आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ते हो उनके पास बहुत सारा मटेरियल रहता है, राइट, जो आप देख के ओवरवेल्म हो जाते हो कि इतना सारा मुझे पढ़ना है कैसे याद रहेगा। सो प्राची, इसमें आपने कितना टाइम स्पेंड किया था फॉर प्रिपेयरिंग जनरल अवेयरनेस? ओके, तो प्रीलिम्स के पहले तक मैं ऐसे डेली 1.5 hours अराउंड 2 hours इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर दे रही थी। आफ्टर प्रीलिम्स मैंने डेली ऐसे 1 hour दिया होगा जिसमें मैंने सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज किए, जो उस टाइम का करंट अफेयर्स था वो भी पढ़ना ज़रूरी रहता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसा नहीं रहता है कि एक मंथ पहले तक का नहीं आएगा, वो हो सकता है कि एक वीक पहले तक का भी करंट अफेयर्स आ जाए, तो वो भी डेली कोप अप करने के लिए 1-1.5 hours पढ़ा होगा मैंने डेली। Okay, yeah. And now let's talk about the English language for means, right? Yeah. इसमें descriptive भी रहता है ये, right? तो क्या थी आपकी journey for English? तो English में mostly जो questions आते हैं वो reading comprehension based रहते हैं, जिसमें आपके लंबे paragraphs हैं, जो answers हैं वो भी बहुत लंबे paragraphs हैं, तो उसके लिए तो since मैं पहले से जो पढ़ रही थी newspapers, books, उसी ने ही help किया, बाकी जो mocks में वैसे ही questions रहते हैं वो सब revise किया। और डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर मैं कहूँ तो डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है
तो ऐसे यूजुअली करंट अफेयर्स बेस्ड आता है. तो okay. कुछ जो उस टाइम के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स थे उन पे मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया और जल्दी टाइप करने का भी प्रैक्टिस किया क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग रहता है. उसका थोड़ा प्रैक्टिस किया, 3-4 लेटर्स लिखने का ट्राई किया जी. और कुछ ऐसे सैम्पल एसेज वगैरह रहते हैं कि आप कुछ सेंटेंस को रिपीटेटिवली हर ऐसे में यूज कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा टॉपिक है. okay. तो उन सबको मेमोराइज किया जैसे कि वहाँ पे मुझे सोचना ना पड़े. And what was the time frame for preparing the whole English subject for mains? For mains, जितना मेरा न्यूज़पेपर में टाइम जा रहा था वो मॉक्स में और मॉक्स को रिवाइज करने में, तो मॉक्स का इंग्लिश पार्ट बेसिकली रिवाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि आप वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बार बार पढ़ रहे हो. तो उसमें अराउंड जितना लगता था 45-50 मिनट्स 1 आवर, तो उतना उसको देके. बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए ऐसा कुछ डेली टाइम नहीं दिया मैंने. जब एग्जाम पास आ गया तो मैंने वो सैंपल एसेज वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, 1-2 ऐसे लिखना स्टार्ट किया, नहीं तो सच कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया उसको. सो आपने कितने मॉक्स दिए थे जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर इंग्लिश? फॉर इंग्लिश जितना मैं डेली 1 मॉक पर डे दे रही थी तो जितना उसमें इंग्लिश का पार्ट रहता है वही कवर किया. एज सच एक्स्ट्रा कोई सिर्फ रिलेटेड टू इंग्लिश नहीं सॉल्व किया, बट जो कम्प्लीट मॉक्स रहते हैं जो 3 आवर्स बेस्ड रहते हैं इसमें इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स पूरा रहता है एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव वो सॉल्व किया. तो एवरीडे 1 मॉक. हाँ. और वीकेंड्स पे? वीकेंड्स पे भी वही, मतलब मेरा कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं था कि वीकडे अलग है वीकेंड अलग है, स्पेशली प्रीलिम्स टू मेंस तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. जो मेरा स्ट्रैटेजी फ्लो चल रहा था वही रहता था. और आप इस प्रिपरेशन के दौरान आपने कोई ऑफ डेज लिए थे इसमें लाइक वीकेंड्स पे? प्रीलिम्स टू मेंस तो आई थिंक मैंने नहीं लिया होगा क्योंकि हार्डली 1-1.5 मंथ रहता है. ओके. तो कुछ जब तक कुछ बहुत ही अर्जेंट काम ना हो तब तक तो कुछ ऑफ नहीं लिया होगा मैंने. बट हाँ, प्रीलिम्स के पहले तक ऐसा रहता था कि हाँ संडे को थोड़ा ऐसा ऑफ ले लिया या नहीं पढ़ा. ओके. बट प्रीलिम्स के बाद तो नहीं. और इसमें कई सारी डिस्ट्रैक्शंस भी आती है कभी कभार, लाइक वी हैव लॉट ऑफ एस्पिरेंट टॉक अबाउट सोशल मीडिया राइट. सो अगर आपके फ्लॉज में वैसा ऐसा कुछ आ गया था डिस्ट्रैक्शंस तो आपने कैसे उसको हैंडल किया? तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तभी मैंने अपना सारा सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था. Okay. तो वो डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं कि इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, वो सब डीएक्टिवेटेड था. एंड जब आपके फ्रेंड्स को पता होता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो और क्रूशियल टाइम है तो वो लोग भी ऐसे आपको कॉल करना टेक्स्ट करना कम कर देते हैं. ओके. तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन कभी रहा होगा. बट सोशल मीडिया में ये रहता है कि जब आप कुछ इवन पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो तो यू नेवर नो व्हेन टू स्टॉप. तो पता चल रहा है कि पूरा दिन निकल गया एक सब्जेक्ट को वो करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. तो उसको मैंने लिमिट किया, मतलब ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पे बहुत सारा वीडियोस देख रहे हो जी, उसको लिमिट करने का कोशिश किया. ओके. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम डे स्ट्रेटजी इटसेल्फ. लाइक जब आपने मेंस के दिन एग्जाम देने गए थे, क्या आप उस दिन की स्ट्रेटजी बता सकते हैं हमारे एस्पिरेंट्स को आप फुल डे लाइक What happened with that on that day? Okay. तो मेरा एग्जाम के पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सुबह उठ के कुछ नहीं पढ़ा है सो आई हैव दैट फियर कि एग्जाम अच्छा नहीं होगा. तो सुबह उठ के मैंने एक पजल और एक DI किया था. ओके. जस्ट टू गेट माई माइंड टू बी इन दैट फ्लो कि क्वेश्चन सॉल्व करें. फिर बस जाके एग्जाम ही लिखा और ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी था नहीं. बट हाँ, जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए सब में सुबह उठ के कुछ ना कुछ सॉल्व करके गई हूँ मैं. ओके. जस्ट टू कीप जस्ट टू मेक श्योर दैट मैंने प्रिपरेशन की है. मैंने प्रिपरेशन की है, माइंड मेरा फ्लो में है, चल रहा है. नाइस. और प्रीलिम्स के लास्ट डे स्ट्रेटजी क्या थी? लास्ट डे तक मैं मॉक्स ही सॉल्व कर रही थी. लास्ट वीक में बताऊँ तो मैं सिर्फ मॉक्स कर रही थी, लाइक एक मॉक किया उसको रिवाइज किया, फिर एक मॉक किया फिर उसको रिवाइज किया ऐसे. तो लास्ट के 3-4 दिन तो आई थिंक कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा होगा मैंने, कुछ ऐसा रिवाइज भी नहीं किया होगा, सिर्फ मॉक्स और मॉक्स का जो रिव्यू रहता है वो किया. और कोई नर्वसनेस आई थी जब एग्जाम सेंटर में आप गए? और आप अगर ऐसा हुआ भी था तो आपने अपने आप को कैसे काम किया? ओके. तो जब एग्जाम देने गई तो प्रीलिम्स था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, थोड़ा फियर रहता है कि अरे SBIPO का एग्जाम है, होगा नहीं होगा. तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो थोड़ी हो गई थी. तो ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारा पानी पिया. ओके. बट देन वहाँ पे
जो मेरा एग्जाम सेंटर था वहाँ पे मुझे ऐसे एक दो लोग मिल गए थे जिनको मैं पहले से जानती थी, तो थोड़ा बात बात किया। फिर जब एक बार एग्जाम सीट पे आप बैठ जाते हो तब आपको लगता है कि बस अब कुछ और है ही नहीं, बस जो है अब यहीं करना है, जितना पढ़ा है यहीं रखना है, तो अपने आप ही थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाता है। ओके, नाउ सिंस यू आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट ईयर जनवरी, तो हाउ इज इट गोइंग ऑन, लाइक कुड यू प्लीज टेल अस? या सो इट हैज बीन ग्रेट, इट इज नॉट लाइक I expected, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि 10 to 5 job है, right. And it's not much, there'll not be a much pressure, but है थोड़ा बहुत stress रहता है, working hours कभी कभी लंबे हो जाते हैं, but it has been great overall. And like pandemic में कैसा था ये? It was अब जाते थे रोज बैंक या कैसा होता था पैंडेमिक में? तो पैंडेमिक के टाइम पे आई थिंक फॉर 1-1.5 मंथ हमारा ऑल्टरनेट डे था, so okay. we used to go one day and then one day would be work from home. So tab customer walk in kam tha, to bas ye tha ki jo piche back operations hote hain, jaise bank ka front end customer dealing alag rehta hai, back operations kafi sare rehte hain, right. wo sab kafi sikha us time pe, like so, online transactions ke bare mein. Haan, online right? transactions kaise kaam karta hai bank, kaise systems and procedures hote hain, wo sab. थैंक यू। सो आइए बात करते हैं अभी जीडी और पीआई के बारे में। okay. तो कुड यू प्लीज टेल अस कि कैसा था माहौल जीडी के बारे में व्हेन यू वेंट फॉर द इंटरव्यू? ओके, सो जीडी में हमको ऐसे 10 लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो वहीं पे जीडी रहता है, ग्रुप एक्सरसाइज रहता है, और फिर उसके बाद पीआई रहता है। तो जीडी काफी अच्छा रहा था मेरा, जीडी का टॉपिक था कि अर्बनाइजेशन पे कुछ था। ओके, तो ऐसे मतलब काफ़ी ऐसा हेल्दी डिबेट था, कुछ ऐसा अनरूली नहीं था, इट वाज गुड। देन ग्रुप एक्सरसाइज जो रहता है उसमें प्रायोरिटाइजेशन एक्सरसाइज रहता है, तो उसमें ऐसा था कि अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम करना हो तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं, सो दैट वाज आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा ग्रुप एक्सरसाइज कहीं और नहीं देखा है मैंने होते हुए। देन पीआई में जो था, पीआई का जो पैनल था उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। ओके, सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं वहाँ जाके कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ SBI का। काफ़ी सपोर्टिवली क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो लोग। और इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर आया था क्या, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है थ्रू आउट GD एंड PI, और इज लाइक व्हाट हैपेंड? ऐसा नहीं था, GD में भी ऐसा नहीं था जिसको हिंदी में करना था, सिंस मैं मेरा जो GDPI था वो दिल्ली में था, तो हिंदी वहाँ का लैंग्वेज है, तो हिंदी में भी बात कर सकते थे, इंग्लिश में भी कर सकते थे। ओके, देन PI में भी दोनों हिंदी इंग्लिश यूज कर सकते थे। ओके, सो देयर इज नथिंग लाइक यू हैव टू स्पीक इन ओनली इंग्लिश? नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। ओके, सो PI के लिए कुछ टिप्स बताना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को, कैसे प्रिपेयर करें, कि कोई रिहर्सल करना चाहिए घर पे, यू नो, टू प्रिपेयर एटलीस्ट दैट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ? सो PI के लिए बड़ा फियर रहता है लोगों में कि अब पता नहीं क्या पूछेंगे, जी. तो क्या पूछेंगे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है जो पूछना था वो उन्होंने पूछ लिया प्री और मेंस में, अब वो आपका पर्सनालिटी देखेंगे, आपका आंसरिंग वही देखेंगे, जी. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द फर्स्ट क्वेश्चन, उसका तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, थोड़ा सा कंटेंट, मतलब प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए माइंड में, क्योंकि दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? तो वहाँ पे आप मैसअप नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके, थोड़ा मिरर के सामने प्रिपेयर करके, या घर वालों को सुना के यू कैन प्रिपेयर, एंड दैट इज द ओनली फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? दैट इज द ओनली फर्स्ट इंप्रेशन, एग्जैक्टली। ओके, सो प्राची, वी हैव सम क्वेश्चंस जो हमारे एस्पिरेंट्स से पूछे हैं रिगार्डिंग दिस SBI प्रिपरेशन। सो अक्षिता का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स? ओके, सो इफ समवन हैज टू प्रिपेयर फ्रॉम द बेसिक, द स्टार्टिंग, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली, सो दे कैन स्टार्ट विद ईजी न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन हेराल्ड, and then gradually move up to Indian Express or Hindu, but then reading a newspaper daily would really help. Okay, so thank you. Yeah. And Vidhi Solanki ka sawal hai, top 5 topics for of cons so we can clear the subject wise cut off. First is definitely DI aapka strong hai to aap koi bhi banking ka exam nikal sakte hain. Then uske baad DI se related jo topics aate hain, percentage, ratio, proportion, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज और सीरीज, नंबर सीरीज। ओके,
योग्यता का सवाल है, आई थिंक हमने वी ऑल्सो कवर्ड दिस क्वेश्चन, इंटरव्यूज और जीडी कौन सी लैंग्वेज में हुआ था? मेरा तो जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर इंग्लिश में पूछ रहे थे, आई आंसर्ड इन इंग्लिश, एंड किसी एक पैनल मेंबर ने मुझे हिंदी में क्वेश्चन पूछा तो मैंने हिंदी में ही आंसर किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गिरीश मिश्रा. विद सच प्रेशर हाउ टू स्टे काम एंड मेंटेन कंटिन्यूटी? तो काम एंड कंटिन्यूटी मेंटेन करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी. तो अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है या काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है या पढ़ाई ढंग से नहीं चल रही है, तो आई वुड से आई यूज़ टू टेक अ वन डे ब्रेक. तो वो वन डे में आपको जो करना पसंद है, जिन आपको बाहर जाना पसंद है, खाना पसंद है, आप वो कर सकते हैं. रियलाइजिंग कि बस एक दिन अगर मैंने दिया है, सो आई विल हैव टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 10 days, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कौशिकी शुक्ला. मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमें किस हद तक पेशेंस रखना होगा? पेशेंस तो काफ़ी रखना होगा. जितने भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सब बहुत अनसर्टेन होते जा रहे हैं. क्वेश्चंस का भी आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हो, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे. या कभी आपको लगेगा कि आप कम प्रिपेयर्ड हो, लेकिन क्वेश्चंस इतने ईजी आ गए कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं. तो पेशेंस जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप रखिए पेशेंस, और बस पढ़ते जाइए कंटिन्यूसली, डिलिजेंटली, तो हो जाता है क्लियर. थैंक यू सो मच प्राची, आई एम श्योर यू नो दिस विल हेल्प टू आवर एस्पिरेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर जर्नी. ये तो थी हमारी एकेडमिक साइड की बातें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू नो मोर अबाउट यू एज वी कॉल्ड इट रैपिड फायर राउंड. सो आर यू रेडी फॉर दैट? या श्योर. Okay, my first question is, are you a tea lover or a coffee lover? Definitely a coffee lover. Okay. Yeah. और अगर आप 15 या 16 साल की प्राची को कोई एडवाइस देना चाहोगे, क्या एडवाइस होगी वो? एडवाइस होगा कि मैथ्स थोड़ा ढंग से पढ़ लेना चाहिए स्कूल में ही, बाद में काफ़ी हेल्प होती है. जी. और थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए अपने करियर को लेके, जो शायद मैं नहीं थी उस टाइम पे, अपने स्कूल टाइम पे. और ड्यूरिंग दिस कोविड आप तो ऐसे तो जाते थे ऑफिस, बट डिड यू स्टिल पिक एनी हॉबी? मेरा जो हॉबी था पढ़ना, वो कंटिन्यू रहा, अभी भी है. तो और एक्स्ट्रा कोई हॉबी नहीं होगा. कुकिंग करना भी पसंद है मुझे, तो वो भी पैंडेमिक के टाइम पे जब ऑल्टरनेट डे ऑफिस रहता था तो वो भी बहुत किया. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कोई ऐसा ऐप यूज़ करते हो जो आप यूज़ करते हो लेकिन आप यूज़ नहीं करना चाहते हो? सो देर इज़ एन ऐप कॉल्ड न्यूज़ इन शॉर्ट. इट इज़ सपोज टू टेल न्यूज़ बट इट shows all the weird notifications. Yeah. But I still keep it in my phone. I don't know the reason why, because it just gives some funny news sometimes. But yeah, that is the one app I would like to install from my phone, but I haven't yet. Okay. Yeah. My next question is, what is the most important object you own? Most important object I own. Okay, I have a bullet. I bought it in 2019, so that is the most important object that I own. Okay, and your top two hobbies? Top two hobbies would be, first would be reading, then next would be exploring and riding bike. So thank you Prachi for sharing these rapid fire answers. We have a special gift for you. Here you go. Thanks. So on CDWT we have a ritual जहाँ आप कैसे ऐसे किसी भी टॉपर को टैग कर सकते हो जिनके पास कोई स्टोरी हो शेयर करने के लिए. ओके, सो मेरी एक बैचमेट है रेशमा रमेश, मैं उसको टैग करना चाहूँगी. आई थिंक उसकी स्टोरी इज वर्थ शेयरिंग. ओके, एंड आवर टीम विल मेक श्योर दैट दे विल रीच द रेशमा एंड उनकी जर्नी हम शेयर करेंगे. ओके, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. एंड वन मैसेज टू द एस्पिरेंट्स. वन मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव ऑल द एस्पिरेंट्स इज, बी पेशेंट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग डिलिजेंटली एंड नेवर लूज होप, बिकॉज समडे और द अदर यू विल क्रैक द एग्जाम वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. ओके, थैंक्स फॉर द यू नो, थैंक यू फॉर द मैसेज. And how was your experience on the CDWT, Prachi? It was great. It has been great talking to you and meeting all you guys here. So it was a nice experience. Yeah, we also enjoyed talking to you and having you here on thank CDWT. You. And we wish you all the best for your future endeavors. And thanks. Thank you for joining us today. So thank you so much for watching this episode. Please make sure that you like, share and subscribe to Chamomile Tea with Toppers. And let's crack it. Let's crack it.
रास्ते मोड़ दें।